हेलो फ्रेंड, अब दोपहर का दाल ठोकर और चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भिगोने में चावल के लिए पानी चढ़ा दिया है भिगोने में। और यहाँ मैंने जब मैंने आप लोगों से बात की थी उसके बाद ही मैंने ये दाल धोकर भिगो कर रख दी थी। ये तुअर की दाल है जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो चलो इसमें हम अभी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर इसको मैं अभी उबाल लूंगी। 2 से 3 मिसल लगा लूंगी। अभी धनिया लिया है और एक टमाटर और ये अदरक का टुकड़ा है छोटा सा और 2 हरी मिर्च। जब तक हमारे दाल और चावल का पानी उबल रहा है तब तक मैं ये कट कर लूंगी। अदरक को कद्दूकस कर लिया है और ये मिर्ची 2 थी तो इसको भी कट करके रख लिया है। तो अभी मैं इसे साइड पर रख दूंगी। और यहाँ पर जो मेरा धनिया है इसको मैंने कल ही साफ करके धोकर उसको रखा था। अब मैं इसे भी कट कर लेती हूँ धनिया को। इतने में मेरी दाल हो जाएगी। अभी इसे थोड़ी देर पकने देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे चावल पक गए हैं। तो अभी गैस की फ्लेम में बंद कर दूंगी और इस छन्नी में इसको मैं छान लूंगी। चावल हो गए हैं। यहाँ पर मैंने इसको छान लिया है इसमें छन्नी में यहाँ पर रख दिए। तो अभी मेरी दाल भी हो गई है देखो। तो दाल हमारी हो गई है। अभी यहाँ इसको साइड पर रख देती हूँ। भिगोना ले लिया है मैंने। अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब जो ये वाला है ये भरकर तेल डालेंगे। गैस चालू करके यहाँ पर रख देंगे। तो अभी मेरा तेल हो गया है। तो हम इसमें डालेंगे राई 1 चम्मच। इसमें जीरा है, फूल चक्कर है, 2 लाल मिर्ची है और लविंग है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये मीठा नहीं। इसके बाद चुटकी भर हींग।
अब जो हमने ये कट करके रखा था उसमें से मैं अभी हरी मिर्च डालूंगी और टमाटर अभी हमने दाल पकाते वक्त भी नमक डाला था इसलिए अब हम ये टमाटर और मिर्ची और जब हम जो अभी ढोकली बनाने वाले हैं उसके हिस्से का ही नमक ऐड करेंगे। आप लोग ध्यान से डालना, ज़्यादा ना हो जाए स्वाद के अनुसार। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच। अभी इसको हम थोड़ी देर टमाटर को थोड़े से सॉफ्ट होने देंगे। गैस की फ्लेम हमने स्लो टू मीडियम पर रखी है और दाल हमने यहाँ पर पीस के रखी हुई है। तो अब ये हमारे टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें हम ये जो दाल थी वो ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को हाई पर कर देंगे। पूरी दाल हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें एक से दो उबाल आने देंगे। तब तक मैंने यहाँ पर लिया है ये गेहूं का आटा, ये तो यहाँ पर है एक कटोरी गेहूं का आटा, बेसन चने का आटा जो मैंने घर पे ही पीस कर रखा है, छान के मैं डिब्बा भर के ही रखती हूँ। जब भी मैं गेहूं बाजरी घर पर पीसती हूँ तभी मैं ये दाल को पीस कर छान के डिब्बे में भर लेती हूँ। तो ये है हमारा बेसन। अब इसमें हम डालेंगे एक से दो बड़े चम्मच बेसन। हम इसमें करेंगे सारे मसाले, नमक। ध्यान से हमने दाल में भी ऐड किया है, अभी जो टमाटर और मिर्ची हमने फ्राई की उसमें भी ऐड किया है, इसलिए ध्यान कर डालना। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और इतना आधी चम्मच के बराबर इतना लाल मिर्च पाउडर। हल्दी पाउडर हम थोड़ा सा, चलो अब इसको हम मिक्स, सारे को मिक्स कर लेंगे। तब तक हमारी ये दाल उबल जाएगी। पूरे मसाले हमने इसमें कर लिए हैं, अब इसका हम आटा लगा लेंगे। तो ये डो हमारा तैयार हो गया है, इसको थोड़ी देर में रख दूंगी। तो थोड़ी देर के बाद मैं इसको अच्छे से गूंथ लूंगी। देखो इसकी लोई बना लेती हूँ। अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने ये बेल ली है, हम कट लगा देंगे। तो जो ये दाल उबल रही है उसमें हम ऐड कर देंगे। तो देखो मैंने सारे कट लगा लिए हैं। तो पहले मैं ये सारी तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो देखो मैंने सारी बनाकर कट करके तैयार कर ली है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके आपको दिखा देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमारी दाल भी अच्छे से उबल गई है। तो हमें इसमें अभी ऐसे ही हाथ में से सब ये हम ढोकली इसमें ऐड कर रहे हैं, तब गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दाल उबल रही होती है तो हाथ में छींटे ना लगे, इसीलिए मैं यहाँ पर ये सारी ऐड कर दूंगी। जब हम छोटे थे स्कूल में जाते थे, मैं पांचवी या सातवीं में पढ़ती थी, तब वहाँ पर हमें वीक में एक बार दाल ढोकरी खाने को मिलती थी, खाने मिलती थी। वहाँ जो दाल ढोकरी बनाने वाली जो आंटी थी वो इतनी अच्छी दाल ढोकरी बनाती थी कि हमें खाने में बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम दाल ढोकरी स्कूल में खाकर खाते थे, घर जाकर खाना नहीं खाते थे, क्योंकि वहाँ पर ही हम
पेट भर के ये दाल टोकरी खा लेते थे। वो शांति की दाल टोकरी बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं दाल टोकरी बनाती हूँ तो मुझे मेरी स्कूल के दिन की याद आ जाती है कि जब हम पाँचवीं या सातवीं में पढ़ते थे तो प्लेट लेकर सबसे पहले जाकर बैठ जाते थे कि आंटी मुझे दे दो, मुझे आज ज़्यादा देना, कि सबसे आगे हम बैठ जाते थे। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है दाल टोकरी, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है दाल टोकरी। पर जो वो आंटी बनाती थी स्कूल में उसका तो मज़ा कुछ और है। चलो ये मैंने सारी अभी ऐड कर दी और आपके साथ मैंने अपने बचपन की यादें भी शेयर कर ली। तो अभी थोड़ी देर हम इसको उबलने देंगे। मैंने पूरे बर्तन भी वॉश कर दिए, सिंक भरी हुई थी सारे अभी के लिए जो हुए थे सारे। और अभी ये हमारी दाल टोकरी बनकर हो गई है तैयार। अब हम इसकी गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला ऐड कर देंगे। ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, इसको थोड़ा सा ही गार्निशिंग के लिए धनिया डाल देती हूँ। देखो अभी कितनी अच्छी बनी है, देखो। तो तैयार है हमारे दाल ढोकरी चावल। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पर धारा फैमिली ब्लॉग पर। तो आज मैंने दाल ढोकरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना ना भूलना। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। बाय।